हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जन्माष्टमी से अगला दिन है। यहाँ पे देखिए, ये बनाई है नाव भैया ने। और नाव क्यों बना रहे हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। वैसे नाव सब लोगों ने बनाई होगी, है ना? बचपन में हमने भी बनाई है और काफ़ी चलाई भी है। तो यहाँ देखिए, नाव चलाई जा रही है बच्चों के द्वारा, राघव को बना के दी भाई ने। और ये कहाँ चला रहे हैं? ये चला रहे हैं बिल्कुल हमारे गेट के सामने। इतना पानी भर गया है। मैंने आपको बताया था ना कि जन्माष्टमी वाले दिन इतनी घनघोर बारिश हुई है कि इतना पानी, तालाब तो आपको पता ही है, तालाब के किनारे ही हमारा घर है बिल्कुल, तो इतना पानी भर गया है मेन गेट के सामने। दोनों जो गेट हैं हमारे घर के, दोनों साइड पानी भर गया है और काफ़ी आगे तक पानी भर गया है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी कितना पानी भरा हुआ है। तो जो नाव डायरेक्शन में जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में हमारे तालाब है, उसी साइड जा रही है। लेकिन पानी ये देखिए, उस साइड में तालाब है जो हम उंगली से दिखा रहे हैं उस साइड में, और इतना पानी आगे तक भी आपको दिखाऊंगी कहाँ तक पानी भरा है। देखिए बहुत आगे तक पानी भर गया है वहाँ तक। तो यही हो जाता है बारिश होती है ना, तो और पीछे की तरफ भी काफ़ी ऊपर तक पानी आ गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, काफ़ी ऊपर तक आ गया है। तो बस ये चीज़ तो हर बच्चे ने की है बचपन में। हम लोग तो हमेशा जिस दिन रात में बारिश होती थी, सुबह उठ के फटाफट यही देखने आते थे कि पानी कहाँ तक आ गया। तो बस यही चीज़ है। और यहाँ पे अब बन रहा है खाना, क्योंकि आज है गाज माता। गाज माता खुलेंगी आज, गोगा नवमी है, तो उसके लिए भाभी खाना बना रही है। आज पक्का खाना बनता है। यहाँ पे भाभी बना रही है छोले। तो इसमें ये ना, ये बेसन जो है पानी घोल करके डालती हैं पानी में, तो मैंने कहा चलो इसको दिखाती हूँ। बोली कह रही क्यों शूट कर रही हो? वो डाल चुकी थी जीरा, हींग, तेल करके, और हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें। अब डाले हैं टमाटर। तो टमाटर थोड़े कम थे, एक्चुअली ख़त्म हो गए थे और आ नहीं पाए थे। जल्दी खाना बनता है हमारे घर पर, खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि पूजा पाठ होती है ना उस दिन, जल्दी बन जाता है। तो गाज तो खोली जाएंगी। और अब इसमें डाल दिए हैं छोले, जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो आज पूड़ी वगैरह बनेंगी। मैंने कहा चलो थोड़ा खाने का भी सूट कर लेती हूँ। मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है ज़्यादा, मैंने खाने वाने का भी नहीं दिखाया है। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा दिखा देते हैं जैसा भी है। जल्दी तो खैर, मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से तो मैंने नहीं दिखाया है। तो बस यहाँ पे डाल दिए छोले, और बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है मेरे घर में डेली में। बहुत मतलब वहाँ तभी बन जाता है, यहाँ तो नहीं बनता प्याज लहसुन का, वैसे भी नहीं बनता। जैसे ज़्यादा ही कुछ मन होता है तो भले प्याज लहसुन का बनता है, वरना ऐसे ही बनता है सिंपल खाना। तो यहाँ पर चाट मसाला वगैरह और छोले मसाला डाल दिया है भाभी ने, और छोले वगैरह, रायता वगैरह, खीर वीर सब कुछ बन गई थी। अब मैं तो सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि जब तक उठी थी तब तक तो उनका ये खीर वगैरह तो बन चुकी थी, ये सारा काम तो हो गया था। एक्चुअली सब भैया वगैरह जाते हैं ना तो फिर अपना जल्दी हो जाता है, और पूजा पाठ वाले दिन तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी और भाभियाँ दोनों लगी हुई हैं। छोटी भाभी सेक रही है और बड़ी भाभी और मम्मी ये दोनों अपना बेलने में वो करने में लगी हैं। मीठी पूड़ियाँ बनती हैं, नमकीन पूड़ियाँ बनती हैं गाज के लिए, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो बस यहाँ पे ये है, मम्मी ने गाज माता बनाई है। तो गाज माता खोली जाती है ना, तो गाज हमारे यहाँ रक्षाबंधन के अगले दिन यानी दोज वाले दिन बांधी जाती है, और जन्माष्टमी के अगले दिन खोली जाती है। मीठी पूड़ी से खुलती है, सवा के चावल से उसकी पूजा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये किस किस के यहाँ होती है बताइएगा? हमारे यहाँ तो ये होता है गाज का। और इसके बाद फिर हम लोग सुनने लगे थे यहाँ पे कहानी, इसकी कहानी की जाती है। तो सारी जो लड़कियाँ औरतें होती हैं वही सुनती हैं, जेंट्स लोग नहीं सुनते हैं, लड़के नहीं सुनते हैं। और गाज माता की पूजा किस किस के यहाँ होती है बताना? हमारे यहाँ तो होती है और ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे जो बिजली जो कड़कती है ना, उससे कुछ इसका रिलेशन होता है, इस वजह से गाज वगैरह बांधी जाती है और वो खुलती भी। इसकी स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है, बहुत लंबा हो रहा था, कहानी पूरी थी तो मैंने कहा चलो अब आप आ गया है टाइम कि यहाँ पे हो रही है छठी हमारे लाला की। और मैं आज आपको अपने लाला से भी मिलवाऊँगी, यानी नन्हे मुन्ने मेहमान से भी मिलवाऊँगी जो नया नया आया है। तो छठी पूज रही है, ऑनलाइन हो रही है सब कुछ काम, ये बॉम्बे में पूज रही है लेकिन यहाँ उसका सारा काम हो रहा है। तो बस वीडियो कॉल पे ही सारे से बात हो रही है। प्यार कर रहे हो? निकल कहती Yeah.
यहाँ मैं आपसे मिलवाती हूँ अपने नन्हे मुन्ने से मेहमान से। ये है बड़ा ओम और वो भाभी की गोद में लगा हुआ है। वो छोटा वाला है जो अभी पैदा हुआ है। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ भाभी की छठी पूज रही है लाला की, तो वही चीज़ हो रही है। उसके बाद फिर भाभी ने बनाए थे आज अप्पे, सूजी के अप्पम जो होते हैं वो। तो इसके लिए सब्जियां काटी हैं, पत्ता गोभी है, प्याज है, शिमला मिर्च है और टमाटर, इनको बारीक बारीक बिल्कुल काट कर लिया है। और अब बनाएंगी अप्पे। तो यो यहाँ ना इन्होंने वो उसको घोल लिया था। ये जो सूजी का वो बैटर है जो इडली का होता है ना, सेम उसी तरीके से इसका बैटर तैयार किया जाता है। अभी गाढ़ा है। तो यहाँ पर भाभी ने मिलाई है सारी सब्जियाँ और नमक और थोड़ा सा पानी भी किया है। अब इसको मैं दिखा देती हूँ, दिखाऊँगी कैसा बैटर इसका रखना है। तो और मिलाएंगी यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, ये उन्होंने यहाँ पे मिलाई है। और ये देखिए, वो हो जाता है ना कि जल्दीबाजी होती है हमारे घर में, तो मैं नहीं सूट कर पाती हूँ क्योंकि फटाफट से काम किए जाते हैं। और मेरा क्या होता है ना, कभी इधर बैठी हूँ या मैं उधर, तो रह जाता है। तो बस यहाँ पे रखा है तवा अपम का, सारी सब्ज़ियाँ इसमें मिला ली थी उन्होंने। और इसमें डालेंगी थोड़ा थोड़ा सा घी, बहुत ही कम घी में ये बन जाते हैं। और मुझे, और मैं वैसे बनाती हूँ बट मेरे कृष्णा को मामी के हाथ के ज़्यादा पसंद है। उसको कहता है मम्मी मामी के हाथ के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका बैटर रखा है, बट बिल्कुल इडली जैसा बैटर। आप चाहें तो इसकी इडली भी बना सकते हैं। तो इसमें वो डालेंगी इनो। तो वो क्या करती है ना, जैसे मैं तो करती हूँ कि एक साइड थोड़ा थोड़ा ले लिया और उसमें मिलाती गई इनो। ये करती हैं उसी में थोड़ा थोड़ा एक साइड में इनो डाल लेती हैं, इतना सा एरिया में, और वो छोड़ देंगी। और उसके बाद में फिर अगला वो छोड़ेंगी, उसमें बनाएंगी, तो अगले में फिर थोड़ा सा मिला लेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये फूल सा गया है। अब इसको अपम के जो स्टैंड है उसमें डालती जाएंगी। ये देखिए, अब चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे घी डाला है ना, इसमें थोड़ी सी आप सरसों के दाने यानी राई जो होती है वो भी डाल सकते हैं। वो चटक जाती है ना घी गर्म होने पे, वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है अपम में। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसमें करते जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं बनना है क्योंकि ये फूलते हैं तो फिर ओवर ऊपर होने लगते हैं, इसलिए इनको इस तरीके से करके, ये देखिए यहाँ पे इसमें करते जाएंगे। और ये वेजिटेबल्स हैं यानी आप जो भी चाहें, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर्दियों में से मटर हो जाती है, मटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है आप कुछ भी डाल दीजिए। पनीर डाल दीजिए, पनीर के तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे इसको मतलब इसमें डाल के और इसको ढक दिया है प्लेट से। इसकी प्लेट अभी कहीं मिली नहीं थी, दोबारा मैं ढक देंगी। तो जब देखेंगे तो एक साइड से जैसे ये सिक जाएंगे तो इनको पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से पलट देना है इनको, दोनों साइड से इनको हल्के हल्के, मतलब गैस को सिम करके सेकना है बिल्कुल, नहीं तो फिर जल जाएंगे। और ये अपम का तवा जो होता है ना, अपम का जो ये चीज़, ये देखिए वो सिक चुके थे, मैं आपको दिखा नहीं पाई। यहाँ पे दोबारा से उन्होंने डाले हैं, वो मिल गया था फिर बाद में उसका ढकने वाला। तो अब देखो फिर थोड़ा सा भाभी ने इसमें साइड में ही डाला है और फिर इसको मिक्स करके और फिर डाल देंगी उसी में इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कहा, मैं तो भाई ऐसे करती हूँ कि एक कटोरे में निकाल लेती हूँ उतना ही और फिर डालती जाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, इनो डालती जाती हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ढक दिया है। तो यहाँ देखिए अप्पम हमारे बन के तैयार हैं। अप्पे बोलते हैं, अप्पम बोलते हैं दोनों चटनियों के साथ में, मीठी और खट्टी चटनी के साथ में। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये है हमारी नन्ही मुन्नी सी भतीजी। इसका बहुत मन था वीडियो में आने का, और ये उस दिन जाने वाली थी, थोड़ी देर के लिए आई थी। तो बस मैंने कहा चलो भाई, ये बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है, इसका नाम गुन्नू है। और गुन्नू को बहुत अच्छा लगा वीडियो में आने का, बहुत कह रही थी। इस वीडियो को करते हैं एंड। और अभी मैंने आपको जो छठी दिखाई थी वो हुई थी बॉम्बे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ उसकी आजकल आकर गए को आज ही थी छठी, मैं कल बोल रही हूँ आज छठी थी। तो उनको नहीं आता है क्योंकि जो ओम हुआ था ना हमारे घर में, तो वो यही हुआ था। तो सब कुछ मम्मी ताई वगैरह ने किया था और उनके लिए पहला चांस था, तो उनको कुछ पता भी नहीं क्या होना था। तो बस वीडियो कॉल पे बस मम्मी वगैरह बताती गई थी, वो करते गए थे यहीं पर, गाने बजाने जो भी कुछ हुआ था यहीं पर हुआ था। और अच्छा लगता है ऐसा, ऐसे मुझे कमेंट भी आया था कि आप कि जो है फैमिली सच में बहुत अच्छी है। तो हाँ भाई, सच में अच्छी है। आज के टाइम में ऐसी फैमिलियाँ बहुत कम मिलती हैं, जो यहाँ की मेरे मायके की फैमिली है, तो सब मिलके रहते हैं। अच्छा भी लगता है, एक गर्व सा फील होता है कि आज के टाइम में भी ऐसी फैमिली है। और फिर वही है, कैमरे में इतना कितना मैं आपको दिखाऊँगी, बट बहुत अच्छा लगता है और खुशी भी होती है कि चलो
भगवान करे किसी का भी नज़र न लगे, मेरा परिवार हमेशा ऐसे ही रहे। और मिलते हैं आपसे कल नए से व्लॉग नए से वीडियो के साथ। मैं कोशिश कर रही हूँ यार कि अच्छा अच्छा आपको दिखाऊँ, अच्छा अच्छा कुछ अलग ही दिखाऊँ, इसलिए मैं पता है रेसिपी वगैरह कम डाल रही हूँ, क्योंकि रेसिपी के लिए तो मैं वहीं बहुत हूँ, वहीं वहाँ कुछ भी ये रहता है कि चलो रेसिपी डालो रेसिपी दिखाओ, इसलिए मैं यहाँ पे कम ही आपको दिखा रही हूँ, यहाँ का कल्चर ही आपको ज़्यादा मैं दिखाना चाहती हूँ। और आप लोग बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए से ब्लॉग के साथ में कल आपके साथ। बाय, टेक केयर, राधे राधे।